लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोट बार तो ठीक लग रही है, हुन बस अंदरों सजानी है। वाहे गुरु सच्चे पाचा, मदद करी मेरी। ओ जल्दी चलो दास। रुक यार, आराम ना। वेलकम। अमिका, बहुत जे है कि पहली पहली नई नई याचट खरीदी है, पहली मशूका ते पहली नाव, एक कोई फीलिंग। ओए, I love you। ओ यार, नाव तो मैंने खरीदी थी गांव में, मामा जी के साथ मैं गया था मछली पकड़ने, कांटे में मगरमच्छ फंस गया और मामा जी को निगल गया। उस दिन के बाद माँ ने कभी घर में मछली नहीं बनाई। नाम सड़े गांव में चोंच दिल। ओ बस कर यार, बस करो दास, मगरमच्छ तुझे क्यों नहीं खा गया? ओए कौन है? हैंड्स अप। मैं हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ये फिर आ गया डंगर। क्या करें इसका? भाई अभी तक तो गया नहीं है। ओ इसने इतनी आसानी से नहीं जाना। किंग आपको पता नहीं है, ये छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी चिपक है। ओ कादी चिपक है। बस करे, ये पंजाब नहीं है हैप्पी, ऐसे तेरी नहीं है तो मेरी चलनी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पंजाब नहीं है। ओए अपने पिंड चलो सारे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं मिला हूँ तेरे माँ बाप से, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू, कितनी इच्छा है उनकी। कभी सोचा है तूने, वो भी चाहते कि तेरा ब्याह हो। तू घोड़ी दे चढ़े पूती दिया, सारे दोस्त रिश्तेदार बराती बने, सारा पिंड खुशियां बनाए, पटाखे बजे, ऐसा पट 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 पट। देर से तैर रहा हूँ, किनारा क्यों नहीं आ रहा? ओए कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं जा रहा? क्या हो गया किंग को? और की हुआ लकीड़ू? गोलियां तो निकाल ली गई है, लेकिन सर पर बड़ी गहरी चोट आई है। वो तो अच्छा हुआ पगड़ी पहनी हुई थी इन्होंने, वरना बचता नहीं। लेकिन चोटों की वजह से कुछ अजीब सी बीमारी हो गई इसको, पता नहीं वो क्या है। वो हेमा जी, हेमिप्लेजिया। हाँ हेमा जी। हैं जी, सेमी पैरालिसिस। हाँ वही, परेल वाली। परेल वाली, ये क्या होता है यार? इस बीमारी में इंसान सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुन सकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। अरे यार, वही बीमारी जो शाहरुख खान को अंजाम फिल्म में हुई थी। और शाहरुख खान को तो हर फिल्म में बीमारी होती है, लेकिन ये अंजाम कौन सी फिल्म है? वो संजू बाबा के साथ में चंद्रचूड़ नहीं था, व्हीलचेयर बैठकर सो गया। चंद्रचूड़ कहाँ से आ गया यार बीच में? ओ फिल्मी भूतों, फिल्मी भूतों में तो शाहरुख खान था ही नहीं। ओ डंगरों, तुम लोग पागल हो गए क्या? चुप हो जाओ डंगर ते पियो। अरे कोई रामलीला चल रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना बचा पूछू किला सर पे लगी कैसे इसके? भूतनी के गन्ने की तरह गले में लटका के कुंग फू कर रहा था और पूछ रहा कि चोटें कैसे लगी। ओए ओए त्रिनु, ओए किंग का खून खोल रहा यार। ओ बहुत जे है, इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, कौन संभालेगा? किंग दी कुर्सी दे ऊपर कौन बैठा? टेल टेल बड़ा पाई और को हैप्पी किंग। नहीं, मार डालो इस हैप्पी के बच्चे को, खत्म कर डालो इसको।
मैं कितो बनूंगा यार, मैं किंग हैप्पी ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। लेकिन किंग ने अपनी उंगली हैप्पी की तरफ कर रखी है। अली मेरे पे उंगली मत कर यार। ओए उंगली करना बुरी बात है। ओए सही उंगली कर रखी है। ओए हैप्पी ने किंग की जान बचाई है। मैं नहीं हूं रसगुल्ले। हां सही कह रहा है। अगर आज हैप्पी नहीं होता ना तो किंग तो अपने गए थे ना। अबे ओए दुखी आत्मा, मैं नहीं किंग बन सकता है। ओए किंग का खून और खोल रहा यार। गुरुजी खून दे खोलेगा और इधर खून के साला खून सैंप तो समेगा। ब्रांसन्स फोर्सन्स किंग ते बड़ा भाई गुरुजी। ओए उसका खून मत खुलाओ। लकी हम समझ गए तुम क्या चाहते हो। शाबाश गुरुजी। और तुम यही चाहते हो ना कि हैप्पी तुम्हारी कुर्सी पे बैठे। उठे सठे आ गया क्या तू। मैं किंग नहीं बन सकता यार, मैं किंग नहीं बन सकता। जब तक लकी ठीक नहीं हो जाता हैप्पी हमारा किंग है। ठीक हाँ ठीक है ठीक है। मैं कितो किंग बनाना यार। गधो इतनी छेती तो अमेरिका ने भी तरक्की नहीं की थी। मेरी बात तो सुनो। तू किंग को वापस लेने आया था कि खुद किंग बनने आया था। ये मेरी गलती सुनो यार। सुनो तेरी मेरी बात तो सुनो। लखन अस्पताल पड़ा हुआ इस हालत में ले जा उसको गांव में। उधर पे उन्हें बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाना है। अरे साडा किंग श्री गुरु गोविंद सिंह जी बस। ओए राजा राम रियासत ऊपर वाला उसी की मदद करता है जो अच्छा काम करता है। तुहानू की लगता है सारे किंग बुरे काम करते ने है। वो जदों तक ठीक नहीं हो जाता ओदी दुनिया भी देख लेंदे। एदे विच हर्ज की है। तो तू देख उसकी दुनिया अकेला। मुझे नहीं देखनी दुनिया। बड़ा आया दुनिया दिखाने। ओ बच्चो कैच गो गो कैच। हंसेगा कंजर मैं बता रहा हूँ उसको। मेरी बेटी आ गई। अपना चेहरा तो देखन दे। मम्मी दिस इज पुनीत। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। दिस इज फेई। थैंक यू। माय प्लेजर। थैंक यू। हैप्पी ओह माय गॉड हैप्पी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बस जी इधर ही। व्हाट अ सरप्राइज यार। ही लुक डिफरेंट। ही लुक नाइस। पुनीत This is Happy. मैंने बताया था ना Happy के बारे में। Oh yes of course. Hello Happy. नमस्ते। This is Puneet, my boyfriend. अच्छा जी। Hi. मुझे अकेला मत छोड़ना। चलिए मैडम। ओए मार सटिया। ओए त्यागी राम कुर्बानियत। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर के अपने प्यार का गला मत घोट। जाके सोनिया का हाथ पकड़ के उसको। एक का हाथ छोड़ के दूसरे का हाथ पकड़ने वाली लड़की नहीं है सोनिया। हाथ पकड़ने जाऊंगा तो दोस्ती भी टूट जाएगी। और फिर मैडम जी से मैंने वादा भी किया है उसे भी तो निभाना। मैंने गोली मार दूंगा बता रहा हूँ मैं। मुझे गोली मारेगा। बहन देता कोई क्या हो गया मेरी पार्टी में। प्लीज अपने कैरेक्टर में रहिए। ये क्या हो गया मेरी पार्टी में यार। फिर लड़ पाए ने पार्टी हो रही है। मैं तेरे प्योदा नौकर बैठा हूँ। मैं तेरे प्योदा नौकर हूँ। सारे नौकर हो। ये शरीफों की पार्टी में कौन कौन बंदूक लेके आए। यार ऐसी पार्टी इन बेवकूफों के अलावा और कौन करने लाएगा। ए भी ठीक है। ओए ओए गोली ने चलाई। ओए मिका पाजी वहाँ कोई नहीं है। ओए कंजरो तुम लोग पार्टी में आए हो के हथियारों का बिजनेस करने आए हो हैं। रखो अपनी अपनी गन इधर। ओथे नहीं मेरी माँ ऐथे रखो। ओथे नहीं। ओ मिका वो आस्तीन में क्या है हाँ। और दूसरी आस्तीन से निकाल और कमर से ओए सब निकाल। इसकी बंदूकों की दुकान है। बेटर सेफ देन सॉरी। बेड़ा घर कोई तोड़ा। मेरी पार्टी का सत्यानाश करता इन्होंने हैप्पी। ओए लकी ओए इत्थे बैठा है बड़े आराम नाल बैठा है। वाओ ढीठ को किंग बनाकर और वो हमें नौकर बना के चंपू बना के अपने आसपास इधर उधर घुमा रहा है। ओए सॉरी यार किधर गया। ओ आ जाओ। ओय
वो बीच में टेबल किसे रख दी? ये कौन है मामा? और यही तो हमारे असली किंग है। असली किंग? हाँ, हाँ, यही तो है किंगों के किंग। ये सब कुछ इन्हीं का तो है बेटा। इन्हीं का? इन्हीं का मतलब, इनका कहने का मतलब, इन्हीं की वजह से है बाबा है हमारे। उंगली बाबा। हाँ जी, हाँ जी, दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो बाबा जी। बाबा जी प्रणाम। लेकिन ये उंगली किसकी तरफ कर रहे हैं? उंगली किसकी तरफ कर रहे हैं? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर कर रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि सबका मालिक एक है, सालों से इन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है, और मैडम जी इनसे पूछे बिना कोई काम करती नहीं। तो आंटी जी, क्यों ना हम शादी की डेट भी उंगली बाबा से ही फिक्स करवाएं? बाबा बता देंगे ना। हाँ, बता दिया। ये देखिए, तीसरी तारीख यानी कि अगले महीने की 3 तारीख कंफर्म। मतलब सिर्फ 13 दिन रह गए। इतनी सारी तैयारियां मैनेजर साहब। अरे तैयारियां हो जाएंगी। आइए आपसे जरा जरूरी बात है। अच्छा ना अंदर लो आराम लो। ये क्या तमाशा है? 3 दिन की बात हुई थी, 13 दिन तक हम लोग नौकर नहीं बने रह सकते? असली पागल है। चुप भाई, रामलाल। रामलीला के बंदरों, मुझे पता था कि वो पतला रावण शादी करके ही जाएगा। वो उंगली वाले बाबा से आगे की भी पूछ लो, पता चला उनके पहले बच्चे की डिलीवरी भी यही हो रही है। हाँ। हाँ। और बच्चे को मामा बनके हम समझोगे। सोनिया, तुम्हें पता है रोज सुबह 7 बजे मैं जॉगिंग करता हूँ, 8 बजे स्विमिंग, 9 बजे योगा और 10 बजे ब्रेकफास्ट। पूरे 2 घंटे लेट है ये सब काम चोर। मैडम देखो आ गया नाश्ता। अरे देख क्या रहे हो, रखो ना। रखो रखो। गुड मॉर्निंग। आपको मजाक करने की आदत है। रखो रखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसकी शक्ल मेरे डैडी से कितनी मिलती है? कहो ना प्यार। अमेजिंग। ऑफ कोर्स। ये क्या है? आलू के पराठे, गोभी के पराठे, बैंगन के पराठे। बेटा, there is also plain पराठे। ए पराठे, तुम्हारी शक्ल ही पराठे जैसी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें और कुछ बनाना नहीं आता। हैप्पी, नाइफ। नाइफ? हैप्पी नाइफ। हाँ हाँ हाँ, नाइफ नाइफ नाइफ। हैप्पी। ये लो जी, ये लो जी नाइफ। नाइफ। बटर लाओ। बेटा पराठे पे बटर लगाने के लिए चाहिए ना नाइफ। लेकिन बटर लगाने के लिए इतना बड़ा नाइफ? जी, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है पुनीत जी। आलो जी, ठंडा मुझे दो। ए देवदास। उदास, पंकज उदास। उदास, देवदास, व्हाटएवर। तुम ये गेट छोड़कर यहाँ घास पकड़कर क्या कर रहे हो? वहाँ चुनीलाल को बिठाया क्या? बैठो ना, बैठो। It was only a glass. Of course, practice. आंटी जी, इस सीनियर सिटीजन को तो आप अभी के अभी काम से निकाल दीजिए। अगर ये किसी सरकारी नौकरी में होते ना तो अभी तक 3 बार रिटायर हो चुके होते। ए मरेगाज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो माली? वो जी, आज हम लोग लेट हो गए थे ना, इसलिए हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। आज खा लो, पराठे तो हमारे पंजाब के नेशनल ब्रेकफास्ट होते हैं। अब कल से आपको अंग्रेजों वाला ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, दूध और चिवड़ा। कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स की भुर्जी भी बना सकते हैं ना। जब से अखबारों में तेरी फोटो छपी है, ये तब से उसी को देखे जा रहा है, इसी वजह से इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। और डॉक्टर ने भी कहा, तू इसकी आंखों के सामने रहेगा तो बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी। अरे किंग, सामने आओ ना, मेरा भी हीरोइन बनने का चांस अटका हुआ है। ओए और डाल जल्दी जल्दी पार। ओए बेवकूफा, इतना प्यार करता तू मुझे है? ओ, हमेशा तेरी आंखों के सामने रहूंगा मैं। पोतने दिया बस एक बारी, इस कुर्सी तो उठ जा तू। जिस दिन मैं उठा उस दिन तुझे इस कुर्सी पे बिठा दूंगा। आज बहुत बड़ा दिन है, मैं ऑस्ट्रेलियन गरीबों में पैसे बांट के आता हूँ। शाबाश रंगीला, शाबाश। आज के बाद अगर लकी में इतनी सी भी इम्प्रूवमेंट हुई और गरीबों में पैसे बांटो यार। बिल्कुल जी, परवाह नहीं टूंडे लाट की। लुटाओ लुटाओ, मेरे बाप का माल है सालो। ओए लकी, ओ की हुआ है? दस डॉक्टर ने बताया कि किंग को काम की कोई टेंशन है। ओए कौन सी टेंशन है तुझे, मुझे बता, मैं दूर करता हूँ। कूलन घाटा पे एक हॉट डॉग बेचने वाले की गाड़ी है। हाँ। वो हटानी थी इनको। इतना टुच्चा सा काम, अब किंग बन के हम ठेले हटाएंगे? ओ पाजी, उस ठेले वाले के सामने 2 रेस्टोरेंट है बड़े बड़े, उन दोनों रेस्टोरेंट वालों का काम धंधा ठप हो गया। वो रेस्टोरेंट वाले किंग के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और किंग ने उन्हें वादा भी किया हुआ है। ओए अगर किंग ने वादा किया तो वादा निभाओ, जाओ ठेला हटाओ। शाबाश हैप्पी, अब तो तू भी किंग की जबान बोलने लग गया। अच्छा एक बात सुनो, ठेले को बाहर मत निकालना, एक काम करना, ठेला लेके उसके घर पे छोड़ देना, और हिसाब से पैसे भी दे देना उसको। कमीने, आ गया ना अपनी औकात पर। और क्या हुआ? अबे किंग को दुआएं चाहिए, दुआएं। माली। हाँ? ये कौन सा फूल? तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम्हें माली किसने बनाया? ओ, नौकर होकर इतना गुस्सा। लिसन टू मी यू। बेटा जाने दो, तुम्हारी बाप की उम्र का है। आंटी जी, बाप क्यों, ये तो मेरे दादाजी की उम्र के हैं।
इनके जन्मदिन पर तो मोमबत्तियों पर केक से ज्यादा खर्चा होता होगा, है ना? बड़ी सीनियर सिटीजन। ए देवदास, पारो का सपना देख रहे हो चंद्रमुखी का? ए चौकीदार, तुमसे बात कर रहा हूं। सुबह से देख रहा हूं यहां मुंह लटका के बैठे हो, लड़कियों के सपनों में खोए हुए हो। जाके चौकीदारी क्यों नहीं करते? जाओ अपना काम करो, जाओ। प्लीज प्लीज। पुराने नौकर है ना, सर चढ़ जाते। अरे बाबा, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? क्यों बेचारी नौकरों की परेड ले रहे हो? अरे माली को फूल के नाम नहीं पता। चौकीदार पूरे दिन बैठ के लड़कियों के सपने देखता है, अखबार का फ्रंट पेज नहीं होता, टीवी पर सब चैनल आते हैं लेकिन न्यूज चैनल नहीं आते। ये घर में हो क्या रहा है? आई कांट टेक इट। नो कंजरो, ओ इसका कोई काम अधूरा रह गया है, उसे पूरा करो। कल से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। मैंने उंगली भी हिलाई ना तो करोड़ों का नुकसान कर दोगे तुम दोनों। ये एक काम रह गया था किंग का। क्या? ओए सत्यानाश हो तेरा जूली। एक वो इंडियन नेवी का ऑफिसर था, उन्होंने किंग का सारा माल सीज कर लिया। और टुच्चा साला दो टके का बंदा, इंडियन है ना, ईमानदारी सच्चाई फर्ज, इनसे पंगा ले रहा था तो उसकी अंधी बच्ची को किडनैप करने का प्लान बनाया था। फिर करो किडनैप, क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? जाओ जाओ। अब जरूर कुछ उल्टा बोलेगा। सुनो क्या कहा, वो अंधी है वो बच्ची? अंधी है। तो एक काम करो, उसको किडनैप करो, अस्पताल में ले जाओ और उसका इलाज करो। लो नई पसूड़ी पे आ गई है। और कादी पसूड़ी, कादी पसूड़ी। दुश्मनी किधर नाल है? पियो नाल दुश्मनी है, बच्ची नाल नहीं। दुआवा चाहिए इनू, दुआवा। और देखो बेवकूफों के बीच में इम्प्रूवमेंट। ओ बहुत इम्प्रूवमेंट है। और रंगीले आप पैसे वंडो यार, पैसे वंडो गरीब आज, पैसे वंडो लकी। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? ओ गरीब यहाँ ढूंढने पड़ते हैं, भारतवर्ष होता तो घर के बाहर निकलो, गरीब ही गरीब। पैसों से भरे बैग रोज रोज घर से बाहर जाते हैं। आंटी जी ये लोग आपको लूट रहे हैं। मुझे कोई क्या लूटेगा बेटा, फूलों की दुकान में किसी को क्या मिलेगा? फूलों की दुकान? फूलों के दुकान होते हैं, पानी नहीं दो तो बहरे हो जाते हैं। डालो डालो पानी डालो। वैसे फूलों के बारे में आप भी काफी कुछ जानती हैं। ओहो जी, फूल अंडे। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। गो। शाम होने आई है, सुबह से पूछ रही हूँ, किसी को कुछ पता ही नहीं। सोनिया जी कहाँ गायब हो सुबह से? कहाँ गायब हो सुबह से? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन ओहो तेरा मिस कॉल, साइलेंट विद सी मैडम। लेकिन थे कहाँ तुम? ना किसी को पता है ना बता कर गई। वो मैं आपकी शादी का कार्ड लाने गया था। इधर आ। कोई आराम से, मेरे जूते नए हैं। शादी का कार्ड लेने साथ में जूली को भी ले गए थे। तो शादी के कार्ड का पता उसी को पता था तो उसी को लेके जाऊंगा ना। ओ यार की प्रॉब्लम हो गई? यार जूतों की प्रॉब्लम है शायद। देखो हैप्पी, तुम अलग हो, वो अलग है, तुम्हारी टाइप की नहीं है वो। अब मैं ठहरा मैनेजर, मेरे टाइप की तो टाइपिस्ट टाइप की होगी ना, और क्या। ठीक है, मुझे वॉर्न करना था, मैंने कर दिया। आगे तुम जानो और तुम्हारी टाइपिस्ट। Why are you smiling? क्या हुआ? हाँ तुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। ओ यार प्यार तो मैंने हुआ था एक बार। और मैं गर्लफ्रेंड के घर से निकल रहा था, बाहर घरवाली ने पकड़ लिया, वो एक ही दिन में दोनों छंड के चली गई। वो यादों की बारात, तू दारू पी। जूली ये सोनिया अगर अपने हैप्पी से इतना प्यार करती है तो हमें क्यों नहीं पता चला? ब्लैक। हाँ जी। रानी की तरह अंधे और बहरे हो तुम सब लोग। सोनिया की आंखों में मैंने हैप्पी के लिए बहुत प्यार देखा है। ओ हेलो मिस रोपड़। पटियाला। हाँ पटियाला ही ठीक है। और तूने उसकी आंखों में प्यार देखा है, अब ये शादी का कार्ड भी देख ले, ये ले। और प्यार अपने हैप्पी से करती है तो शादी उस कबूतर से क्यों कर रही है? अरे क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती कि वो उससे प्यार करती है। प्यार करती है, उसे खुद भी नहीं मालूम। कभी कभी ऐसे होता है गुरु जी, हैप्पी थोड़ी देर उसकी आंखों से ओझल हो जाए ना तो बेचैन हो जाती है वो। किसी और लड़की से बात करते हुए भी देख लेना तो उसे जलन महसूस होती है। अरे प्यार नहीं तो और क्या है? चंपूपंती। मीका एम्प्टी ग्लास। मगर दिल तो भरा हुआ है, जब तक हैप्पी ते सोनिया एक नहीं हो जानते मैं एक पैक तक नहीं पियूंगा। और लेकिन पहले ये तो पता चले कि अपना किंग भी सोनिया को प्यार करता है कि नहीं। वो तो मरता है उस पर, दिन रात सोनिया सोनिया। और इजिप्ट में
उसको देखते ही शादी बच्चे तक का प्रोग्राम बना लिया था। अब ये गुल रानी की वजह से अपने प्यार की शादी करवा रहा है उस कबूतर से। लगता है मेरा ये त्यागी राम कुर्बानियत कुमारा ही रह जाएगा। ए कजरो, मेरे इस हैप्पी का कुछ करो पुत्री को। वाह साहब जी वाह, रात को 3 बजे तक मतलब जाग करके आप सोते हो 3 बजे और सवेरे सवेरे उठ जाते हो जॉगिंग के लिए, कमाल है। कैसे 3 बजे क्या मतलब इडियट, मैं तो रोज रात 10 बजे सो जाता हूँ। क्या बात कर रहे हो साहब जी, रात को 3 बजे गार्डन में सोनिया मैडम के साथ आप नहीं थे तो फिर ओहो, ये अपने हैप्पी साहब बिना सोते ही नहीं रात पर, नींद ही नहीं आती, इसी वास्ते सवेरे बड़ी लेट उठते हैं पता नहीं क्यों। मेरे ख्याल से आपकी शादी के बारे में तैयारी की कुछ बातचीत कर रहे होंगे। हाँ जी आया, तुम जाओ। सर जी जूस, सर जी सोनिया मैडम नजर नहीं आ रही है। वो तो पागल हो गया मोटू। क्यों तो सोनिया मैडम यहाँ क्या करेंगे, अगर उन्हें ढूंढना है तो वहां जाओ जहाँ हैप्पी साहब हो, जहाँ वो होंगे वहीं तो सोनिया मैडम होगी। जूस पीजिए साहब। मैडम इन फूलों के नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो याद ही नहीं रहते, मैंने अपनी समझ में इन्हें नाम दे दिए। गुड, क्या नाम रखे आपने? देखो जी ये जो दो फूल हमेशा साथ साथ रहते हैं ना जी, ये सोनिया मैम साहब और ये अपने हैप्पी जी, खिले खिले रहते हैं। और वो जो वहाँ मुरझा गए ना जी वो फूल, वो अपने पनी साहब है, कितना भी पानी पिलाओ फिर भी मुरझा रहते हैं। ओ मिस्टर पू, गौर सुन तू, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता दूं। प्लीज मिका, आई कांट टेक इट, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तो सुनो, बात ये है कि सारे नौकरा मिलके तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। They're making the dumbbells of you. तुम्हारे और सोनिया के प्यार पर अपने चतुराई की तलवार चलाना चाहते हैं। इनकी बातों में नाना, बिवेयर्स। ओए, इतनी पीते क्यों हो? क्या बड़बड़ा रहा है अकेले अकेले? कल्ले कल्ले? कल्ले कल्ले ही तो रब से बातें होंदी हैं। ओए रब्बा, मेरे पाई लकी नु बचा ले। वो तो उसके लक पे है, तू अपना लक सीधा कर। उसने ठीक हो जाना, फिकर मत कर, तू देखना। देखना? दुखती रख पे हाथ रख दिया।